इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन बाबूलाल बाजार से घर लौट रहा था। अरे बाप रे, क्या दिन आ गए, 100 रुपए का मछली भी 1000 रुपए हो गया। आज ही घर जाकर बीबी को कहूँगा कि अगली बार मछली खाना हो तो अपने मायके जाकर ही खाना। इधर चमेली चुड़ैल भी भूख के मारे रोने लगती है। आय हाय हाय हाय, ये भूख और सह नहीं सकती मैं, अब तो खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं, ऐसे भूखा रह के मैं फिर से न मर जाऊं। तभी उसे बाबूलाल दिखी। अरे एक इंसान आ रहा है। लगता है उसके हाथ में एक मछली है। कितनी बड़ी मछली। आज तो इसी से भूख मिटाऊंगी। ए रुक जा, तेरे हाथ में जो है वो मुझे दे दे। कौन है यहाँ? तो कोई नहीं है, शायद मैंने गलत सुना। इतनी धूप और बाजार की महंगाई की वजह से लगता है मेरा दिमाग ही खराब हो गया। नहीं नहीं, तूने कुछ गलत नहीं सुना। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। चुड़ैल, हे भगवान, अब क्या होगा मेरा। मुझे ये मछली दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगी। अरे मर गए रे, घर पे मछली नहीं ले गया तो बीवी मारेगी, और अगर इस चुड़ैल को नहीं दिया तो ये मेरी जान ले लेगी।